हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको ज्योग्राफी करवा रहा था, जिसमें मैंने आपको अध्याय 4 यानी कि चैप्टर 4 तक करवा दिए थे। आज हम बात करेंगे अध्याय 5 यानी कि चैप्टर 5 के बारे में, जो कि क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में बात करेंगे। अगर इससे पहले वाली अगर आपने 4 वीडियोज नहीं देखी है तो रिकमेंड करूंगा पहले वो वाली वीडियोज देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज हम बात करेंगे उससे आगे की, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने ये चैप्टर बना रखा है ऑन द पॉइंट बना रखा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके या पूछे जा चुके हैं उसके ऊपर। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन बोल सकता है आपको, बन सकता है, जैसे कि धरती की संरचना में सबसे अधिक, ध्यान रखिएगा क्या बोल रखा है मैंने इसमें, धरती की संरचना में सबसे अधिक जो मात्रा पाई जाती है वो किस चीज की पाई जाती है। ये नहीं बोल रहा कि मैं इन्हीं तीन की पाई जाती है, मैं ये बोल रहा हूँ सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है। तो सबसे अधिक मात्रा जो पाई जाती है वो O2 यानी कि ऑक्सीजन की पाई जाती है 40.72%। उसके बाद में आ जाती है आपकी सिलिकन की पाई जाती है 27% और एल्युमिनियम की पाई जाती है 8%। तो ये तीन चीज़ें जो आपकी पृथ्वी की संरचना में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, परसेंटेज देख सकते हो। बाकी जो परसेंटेज बचा है आपका करीब करीब 8 या 9% बचा है, उस हिसाब से आप देख सकते हो कौन कौन से परसेंट कहाँ कहाँ पर आएंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपकी पृथ्वी दिख रही है, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना यानी कि जो आपका एवरेज गहराई एवरेज है वो कितना है, तो 6371 कितना है, 6371 बीच मिड पॉइंट से अर्थ के ऊपर तक की सतह, तो 6371 किलोमीटर है, जिसमें से अब तक हमारे वैज्ञानिक या हमारे खोजकर्ता केवल 4 किलोमीटर गहराई तक ही जा पाए हैं पृथ्वी के। अगर पृथ्वी की ऑन एवरेज गहराई मानी जाए तो 6371 किलोमीटर है, जिसमें से अब तक हमारे वैज्ञानिक या खोजकर्ता केवल 4 किलोमीटर ही तक गए हैं। अब उस हिसाब से आप नाप सकते हो कि पृथ्वी की संरचना कैसी है और कितनी गहरी है। ओके, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। जैसे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारा अनुमान प्रत्यक्ष स्रोत पर आधारित है। अब ध्यान रखिए किस प्रत्यक्ष स्रोत पर आधारित है, तो हमारे भूकंपीय तरंगे यानी कि सिस्मल वेव्स जो होती हैं उनके आधार पर हमारी जो आपकी पृथ्वी की संरचना है उसके अनुसार हमने मापी है। तो जो वेव्स होती है ना, वो वेव्स हमने ट्राई करके देखी थी तो कितनी गहराई तक गई थी, वो तो 6371 किलोमीटर तक गई थी। इसलिए हम वहाँ पर क्या मान सकते हैं कि पृथ्वी की जो गहराई है उन्हें एवरेज 6371 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारा जो अनुमान है वो किसके आधार पर है, तो वो हमारे भूकंपीय तरंगों के आधार पर है। ओके, जहां से भूकंप शुरू होते हैं उसको क्या कहा जाता है, मुख्य बिंदु कहा जाता है, फोकस पॉइंट कहा जाता है, और जहां सबसे पहले असर पड़ता है उसको बोला जाता है अधिकरण बिंदु यानी कि एपिक सेंटर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अधिकरण बिंदु यानी कि अधिकेंद्र बिंदु का संबंध किससे है, तो अधिकेंद्र बिंदु का संबंध आपके अर्थक्विक यानी कि आपके भूकंप से है। ओके, डायरेक्टली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा मुख्य बिंदु का भी संबंध आपके भूकंप से ही है, अधिकेंद्र बिंदु का यानी कि एपिक सेंटर का भी आपका संबंध भूकंप से ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप मापी यंत्र यानी कि जो आपका अर्थक्विक है वो किसके द्वारा मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ नाम का एक यंत्र होता है उसके द्वारा नापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता यानी कि जो उसकी तीव्रता है कितनी गति से आई थी कितनी गति से नहीं आई थी, उसका जो नापा जाता है वो रिक्टर स्केल से नापा जाता है। ओके, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, और भूकंप की तीव्रता यानी कि कितनी वो दुर्घटना उत्पन्न कर सकता था, कितनी तेज गति से आया था, उसका जो मापन किया जाता है वो रिक्टर स्केल से करा जाता है। ओके, जो इसमें आपका अनुमान होता है मतलब जो ये तीव्रता होती है वो 0 से लेकर 9 तक अंक तक मापी जाती है। कैसे, 0 से लेकर 9 अंक तक मापी जाती है, और हर अगला अंक जो होता है वो 10 गुना ज्यादा विनाशक होता है पहले से, यानी कि जो आपका 0 से 1 होगा जब 2 जाओगे तो उससे 10 गुना होगा, फिर 3 जाओगे तो उससे 10 गुना होगा, तो हर आपकी तीव्रता कितनी होती है, 10 गुना होती है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था जो भूकंप मापी यंत्र है तीव्रता के लिए उसका हर बिंदु कितना तीव्र होता है पहले बिंदु से, तो हर बिंदु अगले बिंदु से कितना होता है, 10 गुना ज्यादा विनाशक होता है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट है आपका भूकंप मापी यंत्र के द्वारा भूकंप का मापन करते समय 3 तरंगों का मापन किया जाता है, यानी कि जब आपका भूकंप आता है उसका मापन किया जाता है तो 3 तरंगों का मापन किया जाता है। कौन कौन से, तो भूकंपीय तरंगे हैं आपकी पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, ये 3 तरंगों का मापन किया जाता है। जो कि आपका पी तरंग होता है ये आपका 8 से लेकर 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आता है,
एस तरंग जो होता है वो 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और एल तरंग जो होता है उसको क्या है 1.5 से 3 किलोमीटर की रफ्तार से, जिसको प्राइमरी सेकेंडरी और एल को लास्ट लैंड वेव कहते हैं। ओके, अगर आपसे नाम पूछा जाए तो नाम भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं ये तरंगें जो होती हैं वो कौन कौन सी दिशा में जाती है। जैसे कि पी तरंग है, ये आपका द्रव्य में, ठोस में और गैस में होकर जाती है, और जिसका नाम क्या होता है अनुद्रेय तरंग भी कहते हैं इसको, यानी कि आपका क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टली वेव भी कहा जाता है इसको। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसका नाम। नेक्स्ट है आपका एस तरंग। एस तरंग कहाँ से होकर गुजरता है, तो ये आपका ठोस से गुजरता है, और इसका नाम क्या है अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं इसको। ओके, और लास्ट है आपका एल तरंग, जिसको क्या बोलता है, तो ये ठोस, द्रव्य और गैस। ध्यान रखिएगा पी और एल तरंग जो होता है वो ठोस, द्रव्य और गैस तीनों से होकर गुजरती है, लेकिन जो एस तरंग है वो केवल ठोस से होकर गुजरती है। ओके, जैसे कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पी और एस तरंग जो होती है वो कैसी तरंग होती है, तो पी और एस तरंग जो होती है आपका, यानी कि जो आपका अर्थक्वेक होता है वो ये आपका चारों तरफ आती है, यानी कि जब अर्थक्वेक आएगा किसी तरफ तो ये किसी भी दिशा में जा सकती है, इधर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किसी भी दिशा में जा सकती है। इसलिए क्या कहा जाता है इसको, पी जो और एस है वो चारों तरफ जाती है है, और L है वो केवल बाहर की तरफ आती है, यानी कि जो आपने देखा होगा वो धरती फटती है वो किसके कारण फटती है, तो वो L तरंग के कारण ही होता है। क्यों? क्योंकि जो L तरंग होती है वो हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिसके कारण वो क्या करती है धरती को फाड़ती हुई निकल जाती है। तो जब जमीन फटती है भूकंप के कारण, वो आपके L तरंग के कारण होता है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा तरंग आती है, तो सबसे पहले आपकी पी तरंग आती है, और सबसे खतरनाक जो होती है वो आपकी डेंजरस वेव में वो एल कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये बाहर की तरफ निकलती है, अगर इसे बाहर का रास्ता ना मिले ना तो ये हर चीज़ को चीरती फाड़ती चली जाती है। जैसे जमीन में आपने देखा होगा कई बार भूकंप से दरारें आ जाती हैं, फट जाती हैं, वो किस लिए होती है, वो एल तरंग के ही होती है। ओके, तो ये कुछ थी आपकी भूकंपीय तरंगें, जो कि आपके आने वाले क्वेश्चंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले थे, जो कि आपका पूछा जाता है। तो आज मैंने केवल ये बताया कि भूकंपीय तरंगें क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है वो तरंगों के आधार पर होती है, और कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होता है, तीन भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा, और तीनों भाग को हम अच्छे तरीके से विस्तार में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में बस दोस्तों यही आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।